कौन सी थी वाली थी? देखा भाई देख। नानी क्लास सलाम अलैकुम बेटा, कैसे बेटा हम लोग ठीक है बेटा? हाउ आर यू? हमारा जो चल रहा है, हाँ बेटा थैंक यू बेटा, हमारा जो चल रहा है बेटा ओवरऑल आपका 2.8 चल रहा है और बहुत अच्छे सवाल आप लोग कर रहे हैं माशाल्लाह। सही बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे वही जो हमारा माशाल्लाह क्वेश्चन नंबर हो गया था 7 तक ना, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। से कल हमने जो समझाया था लास्ट क्लास में ना, आज आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। हम यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इफ 1/b ओके इज अ given 2+√3 find value of b4 okay plus 1/b4। उसके बाद हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि आप को b+1/b and b²+1/ यानी सिंपल गौर से सवाल देखो, बड़ा बहुत अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर इन्होंने ना बी प्लस वन अपॉन बी पूछा ओके, ना यहां पर बी माइनस वन अपॉन बी पूछा, ना यहां पर बी स्क्वायर प्लस आपका 1/b² पूछा ओके। आपसे वो डायरेक्ट पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों b4+1/b4। सही है बेटा, तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, अब आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम मालूम करेंगे बी की वैल्यू, बिकॉज इज आर रीजन बिहाइंड। इसकी वजह यह है कि यहां पर आप को जो दिया हुआ है वो इन्होंने आपको 1/b की वैल्यू दी गई है। सही है बेटे, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हम जो मालूम करेंगे यहां पर इज आ बी की वैल्यू। इज इट क्लियर बेटा ऑल स्टूडेंट? 1/b आपको दिया हुआ है 2+√3। अब आप यहां पर देख सकते हैं मैंने लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको समझाया था ओके कि आप अगर बी दिया हुआ हो 1/b अगर मालूम करना हो तो आप इन्वर्स करते। इसी तरह अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको 1/b दिया हुआ है जो जिस तरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन, तो बी हो जाएगा 1/√3 ओके। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब हम यहां पर कॉन्जुगेट लगाएंगे बी मालूम करने के लिए, बी इज इक्वल टू 1/2+√3 ओके। तो अब यहां पर आप 2-√3/2-√3 ओके। हाँ भाई एनी क्वेश्चन आस्क मी, यहाँ तक कोई सवाल दोबारा जिसने अभी ज्वाइन किया है
मैं दोबारा यहाँ पर सवाल आपको बता देता हूँ जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है बेटा, कि इफ वन अपॉन बी इज इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री, फाइंड आउट, आपको वैल्यू मालूम करनी है बी फोर प्लस वन अपॉन बी फोर। अब आप सवाल देखकर पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ तो सर ने हमें बताया नहीं था, डायरेक्ट बी फोर और प्लस वन अपॉन बी फोर दे दिया, ना हमसे ये पूछ रहे हैं बी प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू, ना बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू। मेरे प्यारे बच्चों ये हिडन है, ये अंडरस्टूड है, यानी बी फोर प्लस वन अपॉन बी फोर तक पहुंचने के लिए आप बी प्लस वन अपॉन बी मालूम करेंगे, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर भी मालूम करेंगे। एनी क्वेश्चन आस्क मी बॉयज एंड गर्ल्स, यहां तक जो पूछना है पूछ लो सवाल को देखते हुए। हाँ भाई बॉयज कुछ पूछना है बेटा, बॉयज गर्ल्स बेटा कुछ पूछना है यहाँ तक जो मैंने अभी तक समझाया है कि सवाल में डायरेक्ट इन्होंने आपसे फाइंड पूछ लिया वैल्यू बी फोर प्लस वन अपॉन बी फोर की वैल्यू। ओके अब हम यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आपने कॉन्जुगेट लगाया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई टू माइनस रूट थ्री, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका मतलब ये है हम कह सकते हैं यहाँ पर टू स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। उसके बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है टू माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय फोर माइनस थ्री, टू का स्क्वायर फोर और रूट कैंसिल हुआ थ्री। ओके तो फोर माइनस थ्री आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब हम यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि b की वैल्यू, हाँ भाई मुझे कौन बताएगा बॉयस एंड गर्ल्स में, हमने यहाँ पर b की वैल्यू क्यों मालूम की, वन अपॉन b क्यों नहीं मालूम की, हाँ भाई कौन बताएगा बॉयस एंड गर्ल्स में, गर्ल्स गिव मी आंसर। वन अपॉन बी की वैल्यू दी हुई और बी की वैल्यू नहीं दी हुई थी तो हमें मालूम करनी थी। गुड जॉब, शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने कि सवाल में देखो सवाल देखना है, सवाल हमें क्या कह रहा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, सवाल में हमें वन अपॉन बी दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बी की वैल्यू मालूम करेंगे कॉन्जुगेट लगाकर, तो हमारी b की वैल्यू आ गई 2 माइनस रूट थ्री। बॉयस एंड गर्ल्स लॉक कर दूं, अब हम आगे चलते हैं। ओके अब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने शुरू में कहा था अगर वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले b4 प्लस वन अपॉन b4 तो आपको सेम प्रोसेस करना है, बी प्लस वन अपॉन बी की वैल्यू मालूम करेंगे, उसके बाद आप बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर मालूम करेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका बी फोर और प्लस वन अपॉन बी फोर मालूम हो सकता है। ओके नाउ अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर b की वैल्यू जो हमें सवाल में नहीं दी हुई थी जो आपने मालूम की है 2 माइनस रूट थ्री वो लिया, उसके बाद जो 1 अपॉन b की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों जो सवाल में गिवन था 2 प्लस रूट थ्री वो आप लेंगे। ओके
जैसे आप स्क्रीन पर आ गया, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं b प्लस वन अपॉन b की वैल्यू 4 आ गई। 4 कैसे आई? आपका माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 ऐड हो गया और वैल्यू 4 आ गई। ओके, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम जो मालूम करेंगे, नाउ वी कैन फाइंड बी। आपके स्क्रीन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, ये ऐसी रेच चेक करने के लिए भाई कि आप प्रेजेंट माइंड में बैठे हो या नहीं बैठे हुए, सही है? तो यहां पर आप लिखेंगे नाउ वी कैन फाइंड बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, सही है बेटे? अब यहां पर आप फार्मूला यूज करेंगे जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ओके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सही है बेटा? यानी जो वेरिएबल दिया जाएगा आप उसी को लेंगे, वरना पेपर में मार्क्स माइनस हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अगर यहाँ पर z होता तो मैं लिखता z प्लस वन अपॉन z का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर c होता तो मैं लिखता c प्लस वन अपॉन c का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अपना a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सही। अब यहां पर अपॉन में आपका 1 अपॉन b और b आ गया। हम कह सकते हैं b और b कैंसिल हो गया, ओनली 2 बच गया, सही है बेटा? यानी ये पूरे फार्मूले की आपकी कंडीशन है। जो हम यहाँ पर फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं, ओके, तो आपका आ गया बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ओके, अब यहां पर आपकी जो वैल्यूज आ गई है वो आ गई है b स्क्वायर प्लस वन अपॉन b स्क्वायर प्लस 2। अब जो हमें मालूम करना होता है, यानी वो वेरिएबल b स्क्वायर प्लस वन अपॉन b स्क्वायर वही रहेगा, उसके साथ जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है मेरे प्यारे बच्चों वो चला जाएगा नेक्स्ट साइड पर। तो 16 माइनस 2 इट मीन्स बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया 14, जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां तक कोई भी सवाल, एनी क्वेश्चन आस्क मी मेरे प्यारे बच्चों, बॉयस एंड गर्ल, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है। हाँ भाई, बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 14 आ गई। बॉयस में कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछ सकता है, गर्ल्स में कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकती है। हाँ भाई, एनी क्वेश्चन आस्क मी बॉयस एंड गर्ल्स। आगे चले बेटा, क्लियर? लॉक कर दूं? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपने b प्लस वन अपॉन b की वैल्यू मालूम की, वो आई 4। उसके बाद आपने इसकी मदद से
बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम की, वो आ गई 14। उसके बाद आप मालूम करेंगे जो आपका ओरिजिनल फाइंड वैल्यू, यानी जो सवाल में आपसे पूछ रहा है, हम बी फोर प्लस वन अपॉन बी फोर उस वक्त तक मालूम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ना आ जाए। ओके, अब आप अपनी स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि अगेन हम दोबारा वही फार्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 14 का होल स्क्वायर। सही है बेटा, ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फार्मूला आ गया है। ओके, और हमने इसको एक्सपेंड भी कर दिया है, यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर बी फोर, टू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वन अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और आ गया प्लस आपका टू। ओके, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ओरिजिनल जो कंडीशन आ गई है वो आ गई है 14 का होल स्क्वायर बी फोर प्लस वन अपॉन बी फोर प्लस टू। अब यहाँ पर 14 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 196 आ गया। उसके बाद बी फोर प्लस वन अपॉन बी फोर प्लस टू। ओके, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 196 माइनस टू, तो अब यहाँ पर जो ओरिजिनल हमें सवाल की रिक्वायरमेंट थी मेरे प्यारे बच्चों, फाइंड वैल्यू बी फोर प्लस वन अपॉन बी फोर, हमारे पास आ चुका है 194। बॉयस एंड गर्ल्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। एनी क्वेश्चन आस्क मी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे, पूछ लें बेटा। हाँ भाई बॉयस, कोई भी सवाल आपकी स्क्रीन पर मैंने एक एक स्टेप करके आपकी स्क्रीन पर शेयर करके आपको समझाया है, अब कंप्लीट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। अभी भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, एनी क्वेश्चन आस्क मी, कोई प्रॉब्लम? अब हमें आगे बढ़ना है, उससे पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई। हाँ भाई बॉयज, कोई क्वेश्चन बेटा? क्लियर, लॉक कर दूं? हाँ भाई गर्ल्स, क्लियर बेटा, लॉक कर दूं? चले भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है, आप रजिस्टर और पेन लेकर ये मेरे साथ सवाल सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने अभी समझाया है, सेम एज इट इज है, करें और मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से सवाल आपकी स्क्रीन पर, इफ एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस टू, फाइंड वैल्यू एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर। ओके, नाउ अब हम कह सकते हैं यहां पर ये सवाल सेम वही है, पहले आप मालूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू, उसके बाद आप मालूम करेंगे x स्क्वायर प्लस
वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। जल्दी से मालूम करें शाहबाज और मुझे बताएं कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले यहां पर x दिया हुआ है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी फाइंड वन अपॉन एक्स मालूम करेंगे और मुझे बताइए भाई वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। जल्दी बताएं शाबाश। आप लोग मेरे साथ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मुझे जल्दी से बताइए कि वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई है। हाँ भाई क्या वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो आई है। हाँ भाई क्या आई है, क्या कह रही हैं आप? रूट फाइव माइनस टू। शाबाश गुड जॉब, बिल्कुल सही आई है आपकी वैल्यू, वन अपॉन एक्स की वैल्यू आई है रूट फाइव माइनस टू। अब मुझे कोई बॉयज बताएगा नेक्स्ट। ओके गर्ल्स ने हमें बता दिया, गर्ल्स के पॉइंट्स हो गए 10। अब बॉयज की बारी, जल्दी से मुझे बताइए कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। जल्दी से शाबाश बॉयज में, आप सब मेरे साथ फिजिकली उसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके हम तो टीच कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन सबके सब मेरे प्यारे बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं, सही है? हाँ भाई बॉयज जल्दी बताइए x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई है। गर्ल्स के 10 पॉइंट्स हो गए, बॉयज की बारी है भाई। हम अपना सवाल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। इफ x इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस टू फाइंड वैल्यू x फोर प्लस वन अपॉन x फोर। आप लोगों ने वन अपॉन x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली रूट फाइव माइनस टू। अब जल्दी से मुझे बॉयज बताएंगे के वन प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आई है। हाँ भाई बॉयज बताइए भाई क्या आई है वैल्यू वन प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। हाँ भाई कौन बताएगा वैल्यू क्या आ रही है। 5 + 2 अंडर रूट 5 + 2 गुड जॉब। हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 + 1 / x की वैल्यू 2 √5। शाबाश गुड जॉब। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब जो रूट 5 का 1 है ये और इस रूट 5 का 1 ये दोनों ऐड होगा और 2√5 आ जाएगा। शाबाश। अब जल्दी से मुझे बॉयज बताएंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके फौरन जल्दी से। सेम सवाल वैसे ही है जो अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके आप पहले फाइंड आउट करेंगे x प्लस वन अपॉन x, उसके बाद x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू, उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी x फोर प्लस वन अपॉन x फोर। हाँ भाई मुझे कौन बताएगा x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है। जल्दी बताओ शाबाश। अभी तक बिल्कुल सही बताया है गर्ल्स ने, वन अपॉन x की वैल्यू भी सही बताई x प्लस वन अपॉन 18। हाँ भाई क्या आ रही है 18। अब हम यहाँ पर आप स्क्रीन पर तमाम बॉयज एंड गर्ल्स देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यूजिंग फार्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फिर हमने वैल्यू पुट की x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू जो 2√5 था
होल स्क्वायर आ गया। फिर अगर हम देखेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 और रूट कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 यहाँ आ जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और प्लस 2। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 18 आ गई है और गर्ल्स के पॉइंट 20 हो गए, शाबाश। अब उसके बाद मुझे बॉयज बताएंगे एक्स फोर और प्लस 1 अपॉन एक्स फोर की वैल्यू जल्दी से, शाबाश। ओके नाउ जल्दी बताइए वैल्यू क्या आ रही है भाई एक्स फोर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर की वैल्यू। सेम एज इट इज जो आप करते हुए आ रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है। और अभी तक गर्ल्स के 20 पॉइंट्स हो गए, बॉयज एक्टिव आज नजर नहीं आ रहे मुझे। जल्दी से बॉयज भाई दानियाल सब मुझे बताइए, जो जो यहाँ पर अभी एडमिट है फौरन बताइए मुझे भाई कि क्या वैल्यू आ रही है एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर की वैल्यू जल्दी से। हाँ भाई जल्दी से मुझे बताइए बॉयज क्या वैल्यू आ रही है एक्स फोर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर की। चले भाई मुझे गर्ल्स ही बता दें क्या वैल्यू आ रही है एक्स फोर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर की। 322। यहाँ पर हमने आपकी स्क्रीन पर अब शो हो रहा है कि हमने x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू रखी 18 का होल स्क्वायर। और उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 18 का स्क्वायर 324 यानी 324 होता है। और यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप वैल्यू 324 माइनस 2 यानी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर आपका x4 प्लस 1 अपॉन x4 इज इक्वल टू जो कहा था यहाँ पर ये आ गई है 322। मेरे प्यारे बच्चों एनी क्वेश्चन आस्क मी, कोई भी सवाल आप मुझसे कर सकते हैं इस सवाल के लिहाज से कि ये 1 अपॉन एक्स कैसे आया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 18 कैसे आया। और जो हमसे सवाल में पूछा जा रहा था फाइंड वैल्यू एक्स फोर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर, तो ये वैल्यू कैसे आई। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स में आगे चलूं, एनी क्वेश्चन आस्क मी। चलिए भाई अब हम आगे चलते हैं ओके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया है, यहाँ पर ये कह रहा है आपकी स्क्रीन पर क्यू टू रूट प्लस रूट थ्री फाइंड दी वैल्यूज ऑफ माइनस प्लस और क्यू फोर। ओके तो सबसे पहले आप जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए 1 अपॉन क्यू की वैल्यू क्या आ रही, जल्दी से शाबाश फौरन। अब मुझे बॉयज बताएंगे के इफ क्यू इज इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री फाइंड वैल्यू क्यू फोर प्लस वन अपॉन क्यू फोर। हम सेम वही करेंगे, दोबारा सुन लें बॉयज एंगल, अगर बॉयज को कंफ्यूजन हो रही है तो दोबारा वो देख लें, मैं दोबारा पूरा सवाल समझा रहा हूं।
वन अपॉन क्यू आपको मालूम करने के लिए जो सवाल में क्यू दिया हुआ है यहाँ आ जाएंगे वन अपॉन रूट टू प्लस थ्री। उसके बाद आप कॉन्जुगेट करते हो यानी जो आपको दिया गया है रूट टू प्लस रूट थ्री तो आप साइन को अपोजिट ले लेते हो यानी वन अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाई वाइज मेरे प्यारे बच्चों रूट टू माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट टू माइनस रूट थ्री। ओके उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाता है रूट टू माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय वन तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी रूट टू माइनस रूट थ्री। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नीचे आप फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी रूट टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। ओके उसके बाद हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रूट टू माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय रूट टू का होल स्क्वायर रूट थ्री का होल स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको इन डिटेल ये समझाया था कि रूट के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो वो रूट कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों रूट टू प्लस रूट थ्री डिवाइड बाय टू माइनस थ्री। ओके उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रूट टू माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन ये चीज समझने की है। दोबारा नीचे वन आ जाए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बट लेकिन माइनस वन आ जाए उसकी इंपॉर्टेंस है। ओके तो वो क्या हो जाता है जो वन अपॉन क्यू की वैल्यू आएगी ग्रैंड यहाँ पर जो ऊपर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा इनवर्स रूल हो जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर प्लस रूट टू है नीचे माइनस वन है तो ऊपर माइनस गया माइनस प्लस माइनस रूट टू। उसके बाद आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर माइनस रूट थ्री है नीचे माइनस वन है ऊपर गया तो माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों वन अपॉन क्यू की वैल्यू आ गई माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री। एनी क्वेश्चन आस्क मी बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस सवाल में आपसे वो पूछ रहा है q माइनस वन अपॉन क्यू। ओके माइनस में पूछे या प्लस में पूछे इट मेक्स नो डिफरेंस। मेरे प्यारे बच्चों अगर प्लस में पूछेगा तो प्लस की साइन बीच में आएगी माइनस में पूछेगा
तो माइनस की साइन बीच में आएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्यू आपके सवाल में गिवन था, इसकी वैल्यू रूट टू प्लस रूट थ्री, बीच में साइन माइनस की आ गई क्योंकि वो पूछ रहा है। ओके नाउ उसके बाद हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माइनस आपका ये सवाल का है और ब्रैकेट में माइनस रूट टू प्लस थ्री जो वन अपॉन क्यू की वैल्यू आई है। ओके अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो क्यू माइनस वन अपॉन क्यू का आंसर आ गया रूट यानी टू रूट टू। कैसे आया ये समझ लें, रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस माइनस प्लस, ओके रूट टू और माइनस प्लस माइनस यानी रूट थ्री एक प्लस में आया रूट थ्री एक माइनस में आया, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, रूट टू प्लस का है रूट टू एक और प्लस का है तो दोनों का वन प्लस वन तो टू रूट टू आ जाएगा क्यू माइनस वन अपॉन क्यू की वैल्यू। उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर आप मालूम कर रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यू माइनस वन अपॉन क्यू का होल स्क्वायर करें या क्यू प्लस वन अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, आपकी वैल्यू क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर ही आएगी। ओके अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया वैल्यू पुट की, उसके बाद आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू टेन आ गई। कैसे आई है, क्यू माइनस वन अपॉन क्यू आपने वैल्यू पुट किया टू रूट टू का होल स्क्वायर, टू रूट टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर आपका फोर और रूट ऐसे ही एलिमिनेट हो गया डिलीट हो गया कैंसिल हो गया तो वहां आ गया फोर मल्टीप्लाई बाई टू इट मीन्स एट। यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू कैसे आया और माइनस टू ए बी था माइनस टू क्यू वन अपॉन क्यू था जो कैंसिल हो गया और माइनस टू आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रूट स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट स्क्वायर की वैल्यू आ गई टेन। उसके बाद हम कह सकते हैं कि आप जो सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्यू स्क्वायर प्लस वन अपॉन क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर क्यू फोर हो गया, वन अपॉन क्यू स्क्वायर का स्क्वायर वन अपॉन क्यू फोर हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पर ओके हाँ भाई रिदा बेटा आप एनी क्वेश्चन आख नहीं बेटा मुझसे आप पूछ सकती हैं बेटा आप पूछे बेटा आप क्या पूछ रहे हैं बेटा हाँ बोले बोले माइनस टू क्यों आया। अच्छा बेटा शाबाश गुड बहुत अच्छा सवाल किया मुझे बहुत खुशी हुई है बिल्कुल राइट वे है ये पूछने का तरीका शाबाश। यहाँ पर बेटा आप सवाल देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था क्यू माइनस वन अपॉन क्यू की वैल्यू सही है बेटा जो पूछा जाएगा वो हम मालूम करेंगे।
तो हमने q माइनस इधर वन अपॉन q की वैल्यू मालूम की। अब उसकी वैल्यू से हमने मालूम किया q स्क्वायर प्लस वन अपॉन q स्क्वायर की वैल्यू। सही है बेटा, इधर क्लियर हुआ बेटा, शाबाश। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं q स्क्वायर प्लस वन अपॉन q स्क्वायर की वैल्यू 10 आई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं 4q4 प्लस वन अपॉन q4 प्लस 2। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल यहां पर आंसर आ गया q4 प्लस वन अपॉन q4 बराबर है 98। ये था हमारा आज का सवाल, ओवरऑल क्लोज हम करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अस्सलामुअलैकुम।